नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जर्मनी से रिलेटेड। जी हाँ भाई, जर्मनी भी अभी एक अच्छा ट्रेंड चला हुआ है। जैसे लोग नॉर्मल कंट्रीज में जाते हैं ना, जैसे दुबई की तरफ लोग ज़्यादा मूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जर्मनी से रिलेटेड। जी हाँ, जर्मनी में लगभग 4 लाख वर्करों की ज़रूरत है और इसका कारण भी मैं बताऊँगा। इस वीज़ा पर सबको जॉब भी मिल सकता है, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस होगा, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से स्क्रीन पर दिखा दूंगा। आप चाहें तो इस वीज़ा को अप्लाई करके जा सकते हैं। बहुत कम वीज़ा की फ़ीस रहेगी, जिसपे अलग से भी हम वीडियो में जर्मनी से रिलेटेड बनाते रहेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं और अपने आप को वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सवाल फिर भी अगर रह जाता तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जर्मन मिशन इन इंडिया, इंडिया में अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, चेकलिस्ट फॉर ए जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा वो है तो होता है साथियों, जो जर्मन सरकार ने इंडियन लोगों के लिए स्टार्ट किया है, जिसमें आपको मौका मिलता है बेहतरीन तरीके से अपनी क्वालिफिकेशन दिखा के, और आपकी अगर कैपेबिलिटी है तो ये वीज़ा आप ले सकते हैं, जिसमें हम वीडियो बनाते रहते हैं समय पे, आप देखना पूरे वीडियोस। तो यहां पे बात करेंगे कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं स्टेप टू में, तो बुकिंग अपॉइंटमेंट आपको लेना होता है, और उसके बाद प्रिपेयर ऑफ फॉलोइंग कंडीशन वगैरह जॉब सीकर वीजा के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं, तो आप पूरा देखिएगा। और इसको वीजा अप्लाई करने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले अगर बात करें एक नंबर पे, तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए 10 साल वाला। जी हाँ, और उसमें 12 महीने की कम से कम आपके पासपोर्ट में वैलिडिटी होनी जरूरी है जब आप वीजा सबमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो। जी हाँ, सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो एक वन कॉपी आपके पास, पासपोर्ट साइज की कॉपी आपके पास होना चाहिए, A4 साइज वाला कॉपी। जी हाँ, और उसके थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो, अगर तीन नंबर पे बात करें तो तीन पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास चाहिए, जो बायोमेट्रिक के हिसाब से जो फोटो लगती है ना, वो आपके पास फोटो होनी चाहिए। चार नंबर पॉइंट पे बात करते तो एक कवर लेटर आपके पास होना चाहिए, जिसमें एक्सप्लेन आपका होना चाहिए कि जिसमें आपने कौन सा कोर्स किया है, जर्मनी के हिसाब से कोर्स किया है, या कौन सा कोर्स से रिलेटेड आपका पूरी एक्सप्लेन किया हुआ उसमें होना चाहिए, जो जर्मनी में, कि भैया आपने एजुकेशन जर्मनी में किया है, विश्वविद्यालय में, इंडिया में किया है। पांच नंबर पे बात करें कि प्रूफ आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए क्वालिफिकेशन का और वर्क एक्सपीरियंस का। आपने कहाँ पे, जैसे या तो आपने जर्मन यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज वगैरह किए होंगे, या फिर जर्मनी के बाहर में कोई डिग्री ली होगी, या डिग्री अंदर ली, जर्मनी के अंदर कोई डिग्री ली होगी, या फिर वर्क एक्सपीरियंस आपका जर्मनी में है या जर्मनी के बाहर में है, कहाँ एक्सपीरियंस है, ये आपको प्रूफ उस वीज़ा को अप्लाई करने से पहले आपको उसके साथ में अटैच करना होगा। पर्सनल सीवी, जी हाँ, पर्सनल सीवी फुल आपके एजुकेशन से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपकी पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, जो सीवी में आप लिख सकते हैं पूरी डिटेल के साथ में। आगे अगर बात करें तो अकोमोडेशन, यानी आप जर्मनी में कहां पे रहते हैं, या फिर आप 30 दिन इस वीजा में अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट के 30 दिन अप्रैल जर्मनी में कहां रहेंगे, ये आपको प्रूफ देना पड़ेगा इस वीजा को अप्लाई करने से पहले। प्रूफ है फाइनेंशियल मेंस, यानी आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप कवर कर लोगे वहां पे जो भी आपका खर्चा लगता है, जितने टाइम पे आप रहते हैं वो उतना पैसा आपके पास होना जरूरी है। इसके लिए देख सकते हैं आपके अकाउंट में लगभग 5604 यूरो होना जरूरी है। आप जब भी ये वीजा अप्लाई करते हैं ना, तो भाई यूरो में पैसा मांगा गया, आपके अकाउंट में 5600 लगभग 100 से कर लो भाई, कितना पैसा बन जाता है, ये पैसा आपके अकाउंट में होना जरूरी है। और आगे अगर बात करें तो इसमें ये लिखा गया कि भैया है कि भैया आपको अगर जर्मनी से कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे और उसका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, ये डिटेल यहाँ पे आपको भरनी पड़ेगी जब आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। आगे अगर बात करेंगे, जो फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, उसमें प्रूफ आपको ये साबित करना पड़ेगा स्टेटस, इंडिया में आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एप्लीकेंट आधार कार्ड विथ इंग्लिश में ट्रांसलेट होना जरूरी है, जो आपको अपने प्रूफ में लगाना होता है, भैया आपका डेट ऑफ बर्थ का जो भी सर्टिफिकेट है और आपका आधार कार्ड है उसको इंग्लिश में होना चाहिए, ना कि हिंदी में। प्रूफ है हेल्थ इंश्योरेंस, यानी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये तीन इंश्योरेंस दी गई है, इनमें से एक को आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे तो आप ये फॉलो कर सकते हो भाई, प्रूफ है प्राइवेट जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस, यहां से भी आप बनवा सकते हैं, या फिर प्रूफ है पब्लिक जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस, यहां से भी आपको इंश्योरेंस हो सकती है, या प्रूफ है प्राइवेट फॉरेन इंक्लूडिंग इंडिया, यानी इंडिया से भी आप एक इंश्योरेंस बना सकते हैं जिसमें विदेश यानी इंडिया से बाहर आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाए, इनमें से एक इंश्योरेंस आपको पॉलिसी साथ में अटैच करनी होगी। यहां पे चार टॉपिक दिए गए भैया, ये छोड़ दो, ये बीमारी से रिलेटेड है, जब बीमार हो जाते हो तो ये इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में अगर आप देखें तो डिमांड ड्राफ्ट, जी हां, डिमांड ड्राफ्ट आप केस दे रहे हैं, इसका वेरिफिकेशन होगा, जब भी आप डिमांड ड्राफ्ट दोगे ना तो इसका वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये नहीं कि आपने डिमांड दे दिया फिर आप वीजा लगा दिया, तो इसको आपको ध्यान में रखें, वेरीफाइड हो जाएगा भैया आपकी डिमांड ड्राफ्ट वैलिड है या अकाउंट में पैसे चले गए इंडिया जर्मन एम्बेसी में, उसके बाद में शुरुआत होगी। अब नोट में देख लो भैया, आप जर्मन काउंसलेट बॉम्बे में वीजा अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपको डिमांड ड्राफ्ट ही देना पड़ेगा, ओनली कैश पैसा ऑनलाइन नहीं चलेगा,
और इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए भैया आप उनकी वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट अगर वेरीफिकेशन, जो आप डॉक्यूमेंट दोगे ना उनका वेरीफिकेशन भी होगा, ये नहीं कि आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट दे दिया। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ऑफ इंडिया, जी हाँ, ओरिगिन, ये डॉक्यूमेंट आपके पूरे चेक होंगे, इसका कुछ चार्जेस लगते हैं जो आपको लगेगा। और इसमें आगे लास्ट में अगर बात करें तो भैया आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा फाइनली लग ही जाएगा, लेकिन अगर लगता है तो कम से कम 8 से 12 वीक, जी हाँ 8 वीक से 12 वीक, या समझ सकते हैं कि लगभग दो महीने से लेकर छः महीने तक का आपका इस वीज़ा में टाइम लग सकता है। तो ये कुछ डिटेल थी, अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा। फीस की बात करें तो फीस बहुत कम है इस वीज़ा की, मात्र 75 यूरोज में इस वीज़ा को आप अप्लाई कर सकते हैं। 75 यूरो का कितना होता है भैया, लगभग अगर 100 यूरो होता है तो उसके 10,000 के 10,000 बन जाता है, तो आप समझ सकते हैं लगभग 7-8 हज़ार का ये वीज़ा आता है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इस पर हम और भी टाइम पर और भी रेगुलर वीडियो बना रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जर्मनी से रिलेटेड तो वीडियो वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज़ नई अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।